नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डाइस पूल स्टडी में। आज का हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया जोलन डिस्ट्रिक्ट में। एक्सप्रेसवे क्या होता है? यूपी में एक्सप्रेसवे जो बना है वो 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन का वाइड है और जो कि एक्सपेंडेबल हो सकता है 6 लेन तक। क्या इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के किसानों को मदद मिलेगी? इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करेंगे। एक्सप्रेसवेज, सबसे पहले एक्सप्रेसवेज क्या होता है? एक्सप्रेसवे है जो कि हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स होता है इंडिया में, और जुलाई 2022 तक इंडिया का जो टोटल लेंथ एक्सप्रेसवे का है वो 2031 किलोमीटर के आसपास का है। ये जो होते हैं कंट्रोल एक्सेस हाईवेज होते हैं जिसमें कि एंट्री एंड एग्ज़िट बहुत ही आसानी से हो पाती है, और जो इसका स्पीड भी है वो भी मेंटेन होता है। इसमें जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज होते हैं वो इंडिया के 12 लेन वाइड एक्सप्रेसवेज होते हैं, जो कि इनिशियली 8 लेन का बनाया जाता है, उसके बाद 4 लेन का फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो एक 12 लेन का एक्सप्रेसवे का एग्ज़ाम्पल है, जो कि इनिशियली में 8 लेन का कंस्ट्रक्शन किया गया था। जो इसकी नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका ऑपरेटिंग देखती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंदर आती है। ये जो एक्सप्रेसवे है बनाया गया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगभग 14,850 करोड़ की लागत में है। ये जो रीज़न है ये बुंदेलखंड रीज़न है, और अभी जो एक्सप्रेसवे बना है वो इसी बुंदेलखंड रीज़न में बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बुंदेलखंड यूपी में लोकेटेड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 296 किलोमीटर लॉन्ग है, 4 लेन का वाइड है और एक्सपेंडेबल है 6 लेन तक। ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है गोंडा विलेज NH-35 से, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से कुर्रेल विलेज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे इटावा डिस्ट्रिक्ट तक। इसकी लोकेशन की हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इसका उद्घाटन किया है, बट जो इसके फाउंडेशन स्टोन है वो 29 फरवरी 2020 को ही गोंडा विलेज चित्रकूट में रखी गई थी। ये जो एक्सप्रेसवे है टूरिज्म को प्रमोट करेगा, जो कि चित्रकूट धाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है। इसका जो लगभग लागत कॉस्ट है 14,000 करोड़, 14,716 करोड़, जो कि लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को लेके है। अब कनेक्शन की बात करें तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है? जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है कुर्रेल विलेज में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को NH-35 जो कि गोंडा विलेज चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है उसको कनेक्ट करता है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट से होते गुजरता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कुछ नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले इटावा जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट है, देन आता है औरिया डिस्ट्रिक्ट, देन जौलन, देन हमीरपुर, देन महोबा, देन बांडा और फिर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, चित्रकूट धाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है ना, देख लेते हैं चित्रकूट धाम के बारे में। ये एक हिंदू रिलीजियन साइट है, पिलग्रिमेज सेंटर है। चित्रकूट का मतलब होता है हिल्स ऑफ मैनी वांडर्स। चित्रकूट नॉर्दर्न विंध्यन रेंजेस के पास में आता है और ये पूरा फैला हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। चित्रकूट पर्वतमाला जो कि कमंदगिरी, हनुमंधारा, जानकी कुंड, लक्ष्मण पहाड़ एंड देवनगाना फेमस रिलीजियस माउंटेन्स है इसके। जो कहानी है लो डामा के बारे में है, जो कि अपना मेजर पार्ट ऑफ एग्जाइल यानी जो वनवास है यहाँ पे गुजारे थे, और रामायण एपिक के हिसाब से इस प्लेस में जो भरत हैं वो लॉर्ड राम से मिलने आए थे
और उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की थी कि अयोध्या लौट जाने का। कुछ मेजर एक्सप्रेसवेज की बात करें इंडिया में, तो यूपी में कुछ मेजर एक्सप्रेसवे हैं और भी जगह हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि यूपी में है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि यूपी में है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है यूपी में है, यमुना एक्सप्रेसवे यूपी में है, आउटर रिंग रोड हैदराबाद, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, और जो लॉन्गेस्ट है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कि पिछले साल इनॉग्रेट किया गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे गुजरात। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्रेसवे यूपी में जो बना है वो किसानों को किस प्रकार मदद करेगा और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस हैं उसको आसानी से मार्केट में सेल कर पाएंगे, और ये टूरिज़्म को भी प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा बहुत सारे सेक्टर्स में। और भी अदर बेनिफिट्स भी हैं एक्सप्रेस वेज के, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, कंपनी नया नया कंपनी सेटअप्स होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।